हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमने कक्षा 5 का जो हिंदी का लेसन है बड़ा, वो हम पढ़ चुके हैं। उसके अभ्यास के 5 जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर कर चुके हैं। आज हम कल हमने जहाँ से छोड़ा था उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करें। आपकी बात, क्या आपके घर में भी कभी बड़े बनाए गए हैं? यदि हाँ तो कब? तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं, हाँ मेरे घर में भी दशहरा, दिवाली या होली आदि जो त्यौहार पर बड़े बनाए जाते हैं। या आपके घर में कोई अन्य त्यौहार पर भी बनाया जाता है तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी मुझ में किशमिश, गोला, गिरियाँ आदि भी भरी जाती हैं। आपके घर में कौन कौन से व्यंजनों में ये डाली जाती हैं? तो हम इसका उत्तर लिख सकते हैं कि जब हमारे घर में खीर, हलवा, गुजिया, पिन्नी या पंजीरी आदि व्यंजन बनते हैं तब उनमें यह सब डाल दिया जाता है। तीसरा जो प्रश्न है, जब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिल जमाई यानी कि तसल्ली कर ली जाती है तब कहीं मुझे बाहर निकाला जाता है। इस वाक्य में दिल जमाई का अर्थ है तसल्ली। आपको कौन कौन से काम करने के बाद तसल्ली होती है? ये आप अपने आप भी कर सकते हैं कि मुझे जैसे मनपसंद चीज़ें खाने में या गृह कार्य करने में तसल्ली होती है, दिल जमाई होती है। तो जैसे और भी लिख सकते हैं, मित्रों के साथ खेलने से या कुछ और बातें करने से, ठीक है, बड़ों की सेवा करने से तसल्ली मिलती है। तो जो इसके आगे का जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। अन्न को हथचक्की, पंचक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में दल कर दाल बनाई जाती हैं। इस वाक्य में अनेक प्रकार की चक्कियों की बात की गई है। आप किस प्रकार की चक्की से गेहूं पिसवाते हैं? आपको पता है कि हाथ से जो चलने वाली चक्की है हथचक्की कहते हैं। पंचक्की का अर्थ है पानी से चलने वाली। तेल चक्की का अर्थ है तेल यानी कि डीजल से चलने वाली। और विद्युत चक्की का अर्थ है बिजली से चलने वाली। तो आजकल हम बिजली से चलने वाली चक्की से गेहूं पिसवाते हैं। कभी कभी जब बिजली नहीं होती तो तेल चक्की यानी कि डीजल से चलने वाली चक्की से हम गेहूं पिसवाते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है लास्ट इसका, यूं ही बड़ा नहीं बन गया मैं, इसके लिए मुझे पापड़ बेलने पड़े। आप बड़ा यानी अच्छा आदमी बनने के लिए क्या क्या काम करेंगे? तो बड़ा बनने के लिए जैसे खूब पढ़ाई करेंगे, है ना, स्कूल में हमेशा अनुशासन में रहेंगे, अपने जो गुरुजन हैं, अध्यापक गण हैं, है ना, उनका आदर करेंगे, माता पिता और बड़ों की सेवा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, ज़रूरतमंद लोगों की मुसीबत के समय उनकी सहायता करेंगे और सदा सत्य के रास्ते पर चलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम अगर ये अपना लें तो हम अच्छे आदमी यानी कि बड़े आदमी बन सकते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं आगे भी पाठ से आगे, जैसे मिर्च ही मिर्च, कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियाँ आदि भर दी जाती हैं। इस वाक्य में काली मिर्च से हमें मिर्च की विशेषता पता चलती है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता पता चली है हमें। तो जैसे मिर्च की कोई और भी विशेषता हो सकती है क्या, या मिर्चें और कैसी कैसी हो सकती हैं उसके बारे में हमें लिखना है। मिर्च जैसे लाल मिर्च होती है ना, खालिस्तान में हम यहाँ भर देंगे, लाल मिर्च भर देंगे, भूरी मिर्च भर देंगे, हरी मिर्च, अचारी मिर्च, और क्या होती है, हाँ शिमला मिर्च, छोटी मिर्च, भरवा मिर्च, तीखी मिर्च। ठीक है, हम यहाँ पर ये नाम दे सकते हैं। पहले हमारे घरों में बिजली नहीं होती थी तब हम अनाज किस प्रकार की चक्की में पिसवाते थे? आजकल हम अनाज कहाँ कैसे पिसवाते हैं, चर्चा करें और बताएं। तो आजकल बच्चों आपको पता ही है कि
आजकल तो हम बिजली की या डीजल की चक्की, जो डीजल से तेल से चलने वाली चक्की हैं, उस पर आटा पिसवाते हैं। लेकिन प्राचीन समय में, पहले जब लोग यहाँ पे बिजली नहीं थी, तो वह या तो पंचक्की या हथचक्की, पानी से चलने वाली या हाथ से चलने वाली चक्की से आटा यानी कि गेहूँ पिसवाते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम आगे का करेंगे, अनुनासिक को भी समझें और बताएं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।